यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपने कभी प्रभु जी देखा होगा, अगर पता नहीं आप लोग इस चीज पे गौर करते हैं कि नहीं, हवाई जहाज देखा उड़ते हुए, दिमाग में आता है क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति का जिसने कि हवाई जहाज उड़ा दिया हवा में। दिमाग तो होगा ना प्रभु, परंतु एक कदम आगे सोचा उसका दिमाग क्या होगा जिसने ये पृथ्वी हवा में उड़ा रखी है। उसको उड़ाने के लिए दिमाग चाहिए, इसको उड़ने के लिए अपने आप चलता है। अच्छा साहब, ये तो मेरे लॉजिक मेरे तर्क में आता नहीं है। और इतनी जिसने थोड़ी सी भी पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं भी करी होगी, उसको पता है 10वीं 11वीं जिसने पढ़ी होगी कि बेसिकली ये सिर्फ एक ग्रह नहीं घूम रहा, ये अनेकों ग्रह घूम रहे हैं और अभी तक तो टकराए ही नहीं है जी। ये भी नहीं हुआ कि गिर गए हों, कभी सोचा कभी विचार किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज जो उड़ रहा है ये ऐसे ही उड़ रहा है? ऐसी का मतलब इसका कोई देह नहीं है, बट उड़ने था इसलिए उड़ रहा है, हमने बना दिया इसको उड़ने के लिए। अरे भाई साहब, अंदर लोग बैठे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये हवाई जहाज इसलिए बना है कि एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को पहुंचाए, उद्देश्य है। तो ये भगवान ने जो ग्रह उड़ा दिए इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये जो बना दी मशीन बना के दी है हमें, इसका उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, एक जीवित इंसान और मृत इंसान में क्या फर्क है प्रभु? एक जीवित इंसान और एक मृत इंसान में फर्क क्या है? सीधा आप क्या कहोगे? इसको और अच्छे से समझने के लिए आपसे एक प्रश्न करूंगा, जवाब देना। जीवित इंसान और मृत इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? जीवित, सिंपल है। मैंने ये इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए के अंदर मुझे बुलाया गया था भगवदगीता पर चर्चा करने के लिए, तो मैंने कहा कि कौन सा इंपॉर्टेंट, तो एक कोई ताइवान का था उसने उठाया हाथ, क्योंकि इंटेल कॉर्पोरेशन यूएस के अंदर तो मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग हैं काम कर रहे हैं, तो एक ताइवानी था, मृत शरीर, उसने क्या कहा? मृत शरीर, क्योंकि मृत शरीर पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे कि जीवित शरीर को सही किया जाए। तो मैंने कहा आपने खुद ही उत्तर दे दिया कि मृत शरीर किसके लिए था? जीवित शरीर के लिए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? जीवित शरीर। तो दोनों में, मृत शरीर और जीवित शरीर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ प्रभु जी? जीवित शरीर। अब ये बताइए मुझे कि मृत शरीर और जीवित शरीर में सामान्य क्या है, जो दोनों में है कॉमन चीज क्या है बताइए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। जीवित शरीर और मृत शरीर में कॉमन चीज क्या प्रभु जो दोनों में है? शरीर। इतना सोचने की क्या बात है? मृत शरीर में भी शरीर है और जीवित शरीर में भी शरीर, दोनों में कॉमन। तीसरा क्वेश्चन, जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर जीवित शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक में जीवन है और दूसरे में जीवन। अब बताइए क्या इंपॉर्टेंट हुआ, शरीर या जीवन? जीवन, क्योंकि जीवन के आते ही शरीर इंपॉर्टेंट हो गया और जीवन के जाते शरीर इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो अब मुझे बताइए आप, ज्ञान कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ, शरीर का या जीवन का? अधिक इंपॉर्टेंट जीवन का। परंतु यहां कोई क्लास नहीं है अभी जहां कि आपको जीवन के ज्ञान के बताया जा रहा हो। मेडिकल साइंस शरीर के बारे बताती है। किसके बारे बताती है प्रभु जी? जीवन के बारे बात नहीं करती। सॉरी, मैं डॉक्टर्स को जानता हूं, बहुतों को प्रचार किया है, हजारों को किया है जिन्होंने भक्ति को अपनाया है। भक्ति का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ देना, ये गलत धारणा है। अब हमसे पूछ सकते हो आपने, मैं क्या छोड़ा, मैं तो टीचर हूं है प्रभु जी, टीचर हूं, गृहस्थ हूं, पत्नी है मेरी, वो भी LLM किया हुआ उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, पढ़ाती थी LLM स्टूडेंट्स को, लॉयर भी रही हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट में। परंतु अब वो भक्ति में ही है पिछले 36 साल से, तो इसमें छोड़ना नहीं है। उन लोग डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, परंतु उनको पता लग गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का उन्होंने उत्तर ढूंढने की कोशिश करी और पाया, और यही भगवद गीता ज्ञान दे रही है। आपने कम महत्वपूर्ण ज्ञान तो ले लिया, परंतु जीवन का ज्ञान है वो नहीं लिया कि जीवन है क्या, ये मृत्यु होती क्या है। उन डॉक्टरों ने कहा मुझे, बताते थे, बोलते प्रभु जी, गुरु जी, हमारे जो आदमी जी रहा है और एक सेकंड क्या, एक पल के अंदर गायब हो जाता है एकदम, क्या निकल गया उसमें से, क्या चला गया एकदम। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है ये कि ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड, कि ऑपरेशन तो सफल था परंतु पेशेंट मर गया। कैसे सफल हुआ ऑपरेशन बताइए आप मुझे? तो किस लिए मिला ये शरीर? इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए कि अब आया ये पता लग गया, अब जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन, क्या जीवन ऐसी फैला हुआ है या कोई चीज चेतना देती है, जीवन देती है? हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा, बाइबल कहती है सोल, और कुरान कहती है रूह। क्या कहती है? सेम चीज, पानी, वाटर, तन्नी, तीनों एक ही वस्तु के नाम है, अलग अलग भाषाओं में। क्या अलग अलग भाषा वस्तु हुई है? उसके द्वारा शरीर को जीवन मिलता है, वो हृदय में स्थित रहती है, शास्त्र बताते हैं। उसका स्टेइंग प्लेस क्या है? हृदय। वहां से वो सारा चेतना जो हमारे पूरे शरीर में है वो वहां से है। अच्छा जी, आत्मा है, ओके ठीक है। परंतु पहले प्रश्न का उत्तर कि जब हवाई जहाज को बनाने वाला कोई रहा होगा तो फिर इस सृष्टि को बनाने वाला भी तो कोई होगा, तो इस आत्मा का उसके साथ संबंध क्या है? और आखिरी प्रश्न, उस संबंध में कार्य कैसे किया जाए? जैसे आपको कोई मिलता है बड़े दिनों बाद, ठीक है जी, बड़े दिनों का मतलब यह है कि पहले आप मिले नहीं उनसे, बताता है कि अरे मैं तेरा मामा हूं, मैं बाहर था, तो आप क्या करते हो? अरे मामा जी, मैं कहा हां भांजे, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसा होता है नहीं, आप उस रिलेशनशिप के अंदर कार्य करते हो। क्या करते हो प्रभु जी? उस संबंध में कार्य करते हो। इसी तरीके से आपका और उस क्रिएटर का, उसको बनाने वाले का क्या संबंध है और उस संबंध में कैसे कार्य करना है, ये इस ज्ञान को बताऊं क्या कहते हैं? इस ज्ञान को धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी?